मैंने नोटिस किया, मतलब हम सब ने नोटिस किया है कि आपकी पिक्चर्स के बीच में एक गुड अमाउंट ऑफ गैप होता है। हाउ डिड यू मैनेज कि आपको ऑडियंस आए और देखे, मतलब आप कैसे उसका सेंस आइडिया लगाते हैं कि आज की ऑडियंस को क्या चाहिएगा? देखिए, मैं अव्वल तो मैं कभी ये सोचता नहीं कि आज की ऑडियंस को क्या चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो बनाने लगूँ जो ऑडियंस को चाहिए, तो मैं अपने आप से धोखा कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ हर डायरेक्टर को वो बनाना चाहिए जो उसके अंदर की आत्मा कहती है। और क्योंकि, और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सबको ये चांस मिलता भी नहीं, बिकॉज कमर्शियल होते हैं इशूज, बिजनेस इशूज होते हैं, बट आई बीन फॉर्चुनेट कि मेरी पिक्चर अच्छी गई, बॉक्स ऑफिस, सो आई हैव द फ्रीडम। सो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ मैं क्या बनाना चाहता हूँ, और फिर मैं उसे जितना एंटरटेनिंग कर सकूँ वो मैं ध्यान में रखता हूँ, और फिर जो ऑडियंस के लिए पसंद है उस ऑडियंस को वो पसंद आएगी। यही मेरा एक पैटर्न रहा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यंगस्टर को क्या पसंद है उस हिसाब से बनाऊँ, या ये लेडीज़ को पसंद होगा, क्योंकि वो धोखा है। और आज ऑडियंस इज सो इंटेलिजेंट, वो जाती है एक फिल्म मेकर की सिंसियरिटी देखने के लिए। कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने फिल्म बनाई और मैंने कसोची तो लोग बोलते हैं ये क्यों बना रही, ये सब चीज़ें तो देखने, तो हम दूसरों की फिल्में जाते हैं, आपके यहाँ हम आते हैं ये देखने के लिए। सो ऑडियंस, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ऑडियंस मैच्योर है, और वो बनाइए ऐसे डायरेक्टर जो आप बनाना चाहते हैं। सर, आपकी फिल्म्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फैमिली वैल्यूज को कन्वे करती है, और अभी डायनामिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं। सो हाउ डिड यू डू यू सी द चेंज इन डायनामिक्स? लाइक इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन, डू यू रियली थिंक दैट टुडेज मॉडर्न फैमिलीज कैन फिट इन दी हम साथ साथ हैं फिल्म? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जी जो हम साथ साथ है वाला मोल्ड है, वो ये नहीं कहता कि आप सब साथ में रहें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आज अगर मैं ये कहूँ कि नहीं रोज मिलो आप हर संडे, पॉसिबल नहीं है, बट हम साथ साथ है करने करते हैं कि दिल जुड़े रहे। हम आप देखिए जो जो फैमिली सब्जेक्ट है, ज्वाइंट फैमिली का आज जो मतलब है वो है कि दिल जुड़े रहे। तो ये तो विद सोसाइटी, विद ईयर्स, विद टाइम में तो बदलते रहेगा, बट फैमिली वैल्यूज जो हैं वो उसके उसके बोलने का ढंग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटी सी चीज़ कहूँ, तो पहले फादर होते तो शायद हम बैठते नहीं थे सामने, आज मेरे इस बेटे मेरे सामने बैठते हैं, हम कभी आर्ग्यू नहीं कर सकते, बट आज बच्चे आर्ग्यू भी करते करेक्टली। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्यार कम हो रहा है, बट ये थोड़ा है कि इससे जनरेशन चेंज होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई चेंज हो नहीं रहा, मॉडर्न फैमिलीज भी वही ट्रेडिशनल फैमिलीज है, बट एज फिल्म मेकर्स हमें अपनी बात थोड़े अलग अलग ढंग से कहनी है। सर, आपको लगता है कि जब आप कोई मूवी बनाते हैं, लाइक द सूरज बढ़ जाते हैं फिल्म या राष्ट्रीय प्रोडक्शन, तो लोगों की एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है उस फिल्म से? ये मतलब ओवर द ईयर्स हर एक मेकर की होती है, और उसको उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो, बिकॉज अगर आज भी 75 ईयर्स हो गए हमारा में, और आज भी लोग ये सोच के जाते हैं कि राष्ट्रीय की फिल्म में तो सब साथ में जाएं, तो एक ऐसा रिस्पेक्ट है जो हमें निभाना चाहिए। और कहीं ना कहीं पब्लिक हमें बोलती है कि देखो यही तुम बेस्ट बनाते हो राष्ट्रीय में, क्योंकि तुमसे ये उम्मीद करते, क्योंकि तुम इसमें अपना तुम्हारी स्पेशलिटी है, और तुम जो बनाते हो वो तुम बनाओ, दूसरे वो बनाए जो वो बनाते हैं, ताकि हमको हर किस्म का खुराक मिले। तो सर, आप कभी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में इस कंफर्ट जोन, लाइक देयर इज अ कंफर्ट जोन नाउ, तो आप इससे स्टेप आउट करेंगे और पब्लिक को इससे शॉक करेंगे, ओ राष्ट्रीय में ये फिल्म, ऐसा समथिंग? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने सब कुछ किया है, हम लोगों ने डेकॉइड भी बनाई है, डांसिंग गर्ल भी बनाई है, आप देखिए तो सब बने, बट वहाँ शायद हम उसको जस्टिस नहीं कर पाते हैं जो चली हमारे यहाँ, वो आध्यात्मिक फैमिली वैल्यूज वाली चली है। और ऊंचाई भी अगर आप देखें तो कहानी पारिवारिक है, कहानी जो है वो एकदम फैमिली वाली है, बट बोलने का ढंग अलग है। तो आज जब मैं इस उम्र में हूँ और जब इस एक्सपीरियंस में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चेंज करूँ सिर्फ एक शौक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.